प्रेगनेंसी के टाइम इसका रिस्क बढ़ जाता है क्या? मैं जल्दी से वॉशरूम जाके आई, चले Which month is it? Fifth. Congratulations. Thank you. तो तुम्हारे वैक्सीनेशंस हो गए? जी, टेटनस का वैक्सीन लगवा लिया मैंने. और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन? इन्फ्लुएंजा? प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन? हाँ, इन्फ्लुएंजा, जिसे आम भाषा में हम फ्लू के नाम से जानते हैं, एक आसानी से फैलने वाली रेस्पिरेटरी बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है. ये नाक, गले और लंग्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है. लेकिन आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. आई एम डॉक्टर नीरजा. हाय, आई एम श्वेता. श्वेता मैम, आपके पास थोड़ा टाइम हो तो प्लीज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? यस, श्योर. मैम, ये इन्फ्लुएंजा तो सर्दी खांसी जैसी आम बीमारी होती होगी ना? इसके सिम्टम्स आम सर्दी खांसी की तरह दिखते हैं, लेकिन अक्सर सिवियर होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं. कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, निमोनिया हो सकता है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. इतना सीरियस हो सकता है? पर मैम, प्रेगनेंसी के टाइम इसका रिस्क बढ़ जाता है क्या? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम में कई सारे चेंजेस होते हैं, इस वजह से इन्फ्लुएंजा का रिस्क बढ़ जाता है. इनफैक्ट प्रेगनेंसी में आम लोगों के मुकाबले इन्फ्लुएंजा होने का रिस्क 25 गुना ज्यादा बढ़ जाता है. अगर इन्फ्लुएंजा प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे के लिए भी खतरा बन सकता है. बच्चे को क्या खतरा हो सकता है मैम? बच्चा प्रीमेच्योर हो सकता है या फिर बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है. मैम, इससे कैसे बचा जा सकता है? वैसे रेगुलर हैंड वॉश और अच्छी साफ सफाई इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से बचने में मदद कर सकते हैं. पर एक्सपर्ट हेल्थ अथॉरिटी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन को स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करते हैं. और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में लेने का डबल फायदा है, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों को प्रोटेक्ट करती है. ये तो काफी यूजफुल बात बताई आपने. मैम, ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में सेफ तो होती है ना? ऑफ कोर्स, दुनिया भर में लाखों प्रेगनेंट औरतों को कई सालों से ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है. इनफैक्ट 100 से ज्यादा देशों में एक्सपर्ट हेल्थ अथॉरिटीज प्रेग्नेंट औरतों के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रेकमेंड करते हैं. ओके, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते ना? देखो, प्रेग्नेंट औरतों में साइड इफेक्ट्स वही होते हैं जो किसी आम व्यक्ति में होते हैं, जैसे स्वेलिंग, रेडनेस, फटी, नोजिया वगैरह. पर ज्यादातर साइड इफेक्ट्स माइल्ड होते हैं और एक या दो दिन में अपने आप चले जाते हैं. सच में मुझे ये सब पता ही नहीं था. चले. थैंक यू सो मच, आप मिले तो इतनी नई और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाई मुझे. आई एम सो ग्लैड. अब तुम अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, आई एम श्योर वो भी तुम्हें यही सलाह देंगी. थैंक यू सो मच, रियली. डॉक्टर, आपकी टेबल. आई एम वेटिंग फॉर माय हस्बैंड, ऑलवेज लेट. याद रखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी वैक्सीनेशन मिस मत करें. ज्यादा जानकारी के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह